पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बादोजई ने सप्तान खान की कामयाबी का ऐलान किया। पैनल ऑफ चेयरमैन का कहना था कि तहरीक इंसाफ के सप्तान खान ऐवान के नए स्पीकर होंगे। पीटीआई के सप्तान खान 185 वोट लेकर कामयाब हुए। इसके बरअक्स नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर ने 175 वोट हासिल किए, जबकि 4 वोट मुस्तरद कर दिए गए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार सैफुल मलूक ने सप्तान खान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सप्तान खान की कामयाबी पर तहरीक इंसाफ के अरकान ने ऐवान में नारेबाजी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओकरा की समरी वजारत खजाना को भेजी जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए तक इजाफे का अम्कान है। ओकरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग हतमी मराहल में है। वर्किंग के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत में 15 रुपए और डीजल 18 रुपए फी लीटर महंगा होने का अम्कान। दुनिया में अब तक के सबसे बड़े हीरे की दरियाफ्त। अंगोला में दुनिया का सबसे बड़ा नायाब गुलाबी हीरा दरियाफ्त। अंगोला में दरियाफ्त होने वाले दुनिया के सबसे बड़े गुलाबी हीरे को लोलो रोज का नाम दिया गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अंगोला में लोलो कान से दरियाफ्त होने वाले 170 कैरेट के हीरे को माले वकू की मुनासबत से लोलो रोज का नाम दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने गुज़श्ता रोज एक मीटिंग में कराची में तमाम GTS को बारिशों से पहले फिलफौर खाली करने का हुक्म चाइना कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने हवा में उड़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ में कचरा उठाने का काम एक बार फिर रुक गया। मेवाशाह GTS से कचरा न उठ सका। चाइना कंपनी की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रिक्शा दिन 2 बजे कचरा समेत वर्कशॉप में पहुँच गयी। शमाली कोरिया ने अमेरिका को जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। शमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका या जनूबी कोरिया के साथ किसी भी मुमकिन फौजी तनाजा की सूरत में जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी गई है। मुतअद्दिद स्कूलों को बम धमाके की धमकियां, एकाम ने साइबर हमला करार दे दिया। न्यूजीलैंड के मुतअद्दिद स्कूलों को आज बम धमाके की धमकियां मौसूल हुई। गैर मुल्की खबर सा एजेंसी के मुताबिक ये एक बैरूनी साइबर हमला है। धमकियां मिलने वाले कई स्कूलों को इनखला के बाद बंद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज भी 4 स्कूलों को जाली कॉल्स मसूल हुई थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यायर लापिद की अमान में शाह उर्दन से मुलाकात। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यायर लापिद ने आज अमान के शाही महल में शाह उर्दन अब्दुल्ला से मुलाकात की। एक सिंह से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने का इंकशाफ। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान संगीन लापरवाही का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक स्कूल के 30 तालिब इल्मों को एक ही सिंह से वैक्सीन लगाई गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तालिब इल्म के परेशान वालदैन की जानिब से बनाई गई वीडियो से ये बात सामने आई है कि वैक्सीनेटर जितेंद्र को इंतजामिया की जानिब से एक सिरिंज ये कहकर दी गई कि तमाम बच्चों को इसी से वैक्सीन लगाई जाए।